गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए क्लास 7 का SST सोशल साइंस हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन अकाउंट्स तक पढ़ चुके थे, फॉरेन अकाउंट्स यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से आर्कियोलॉजिकल सोर्स से। कह रहा है कि देर आर प्लेंटी, ठीक है, ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स लाइक मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, वेपन्स, क्लॉथ्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, यूटेंसिल्स, इट्स बिलोंगिंग ऑफ द मिडिवल पीरियड। कह रहा है दे आर प्लेंटी ए सोर्स आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है लाइक जैसा कि मॉन्यूमेंट, स्मारक, पेंटिंग, स्कल्पचर, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, वेपन्स, क्लॉथ्स, ये सभी क्या है, सबके सब आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। ठीक है, टूल्स कह रहा है बिलोंग द मिडिवल पीरियड, लेकिन किससे बिलोंग कर रहा है, मिडिवल पीरियड से। द फ्लोइंग आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और कुछ एग्जाम्पल है इसका देख लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स का क्या क्या है। कह रहा है एनी बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इज कंस्ट्राइड टू अ मॉन्यूमेंट्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स के लिए पहचान के लिए कई सारे बिल्डिंग भी है, फोर्ट्स भी है, किला भी है, प्लेसेज भी है, इसकी खोज की गई टेम्पल्स भी है, हाउस भी है, अदर स्ट्रक्चर और कुछ भी अदर स्ट्रक्चर है। गिव्स कह रहा है गिव अस ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द कह रहा है आर्किटेक्चरल स्किल्स पर कह रहा है परफेक्शन इन स्टोन कटिंग, ठीक है, आर्ट ऑफ स्कल्पचर्स एंड द ब्रिलियंस ऑफ आर्टिस्ट, कल्चर, सोसाइटी एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। कह रहा है ये सभी चीज़ जो है कह रहा है आर्कियोलॉजिकल सोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है, एक महत्व है। ये लोग इन सभी चीज़ों से पता चलता है हमें, ठीक है, पुरानी चीज़ों के बारे में, देखिए सभ्यता के बारे में, प्लेन्स के बारे में, स्टोन कटिंग वोटिंग, ये सभी आर्कियोलॉजिकल सोर्स हुआ था, खोज की गई थी तो वो सभी चीज़ मिला था, ठीक है, कई सारे टेम्पल्स भी मिले, ठीक है, ये सभी इन्फॉर्मेशन हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में बताता है। अब आइए देखिए, कह रहा है द कॉइन्स वर मेड ऑफ द गोल्ड, उस समय जो कॉइन्स जो बनाया जाता था, सिक्के जो बनते थे वो गोल्ड के बनाए जाते थे या सिल्वर के बनाए जाते थे या कॉपर के, इन सभी चीज़ों का क्या होता था, ये बनता था। दे आर एनालिसिस द स्टडी टू द गेट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, जो इतिहास का अध्ययन करने के लिए काफ़ी है। कह रहा है द स्टडी ऑफ द कॉइन्स इज कॉल्ड कह रहा है न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक है, कह रहा है न्यूमिस्मैटिक्स उसको कहा जाता था। द स्टडी ऑफ उसमें जो कॉइन पे अध्ययन किया जाता था उसको न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता था। द पर्सन हु स्टडी जो उस पर अध्ययन करता था, दिस कॉइन्स ऑफ न्यूमिस्मैटिक्स उसको कहा जाता था। गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसको काफ़ी ज़्यादा जानकारी उससे मिलता था अबाउट द पॉलिटिकल के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में, कल्चर के बारे में, वहाँ सभ्यता कैसी थी, जीवन का स्टाइल कैसा था। दिल्ली सुल्तान एंड मुगल एंड द चोलस यूज्ड मेनी कॉइन्स, जो दिल्ली का जो सुल्तान था और जो मुगल था, ठीक है, या चोलस था, इन सभी ने अपने साम्राज्य में मेनी कॉइन्स, कई सारे कॉइन्स को चलाए थे, बनाए गए थे। आइए देखते हैं, देखिए कॉइन्स कह रहा है द पेंटिंग ऑफ द मिडिवल पीरियड, मिडिवल पीरियड का जो पेंटिंग का काल रहा, सच या जो मुगल, जैसे कि ये कह रहा है राजस्थानी, कह रहा है नेचर एंड द डिकेनी, ऑल्सो गिव अस इंटरेस्टिंग इनसाइट इन टू प्लेस स्किन एंड द हर्टिंग एक्सपेंडिशन एंड स्किन फ्रॉम द माइथोलॉजी। बाय स्टडिंग देम द वी गॉट टू नो अबाउट द कस्टम ट्रेडिशन, कस्टम ज्वेलरी इटीसी ऑफ द मिडिवल पीरियड। पता है जब पेंटिंग का जो पीरियड था, ये मुगल पीरियड, ठीक है, इस समय से ही शुरू हुआ, लेकिन कह रहा है जिसमें राजस्थानी हो, ठीक है, ये सब बहुत मुगल से भी पहले से चल रहा था, लेकिन ज़्यादा उस समय ही फेमस हुआ, ठीक है, राजस्थानी पेंटिंग, इस तरह बहुत सारे पेंटिंग थे जिससे पता चलता था क्या वहाँ की सभ्यता कैसी थी, इन सभ्यताओं को सब जो है ट्रेडिशन को, कस्टम को, ये सभी चीज़ों को उस पेंटिंग पर दिखाया जाता था, इस तरह से उसे बनाया जाता था, जिस चीज़ के बारे में मिडिवल पीरियड के बारे में वहाँ से भी हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, कह रहा है स्कल्पचर ऑफ द मिडिवल पीरियड वर द मेनली स्टैचू ऑफ द गॉड्स, कह रहा है उस समय जो है कह रहा है मिडिवल पीरियड मेनली स्टैचू ऑफ द गॉड्स, उसमें बहुत सारे स्टैचू मिलते थे गॉड्स के, किंग के, क्यून के, इन सभी को बनाया जाता था। गॉड्स के तो स्टैचू बनते ही थे, स्टैचू मतलब मूर्ति और राजा का भी कई सारे मूर्ति बनाया जाता था, क्वींस रानियां का भी, ठीक है, देवर जनरली मेड ऑफ द ब्रॉन्ज, लेकिन वो जनरली बनता था ब्रॉन्ज का एंड द स्टोन का बनाया जाता था। दे गिव अस द इन्फॉर्मेशन अबाउट द हेयर स्टाइल, ठीक है, जो उसके हेयर स्टाइल के बारे में, उसके कस्टम के बारे में, ऑर्नामेंट्स के बारे में, मिडिवल पीरियड, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता था वहाँ से। कह रहे इंस्क्रिप्शन आर अ रिटन रिकॉर्ड जनरली डीलिंग विद द रॉयल,
करा ऑर्डर ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द डोनेशन टू टेम्पल्स एंड अ विलेज। हमें वो भी पता चलता था कि डोनेशन के बारे में ही पता चलता था, टेम्पल्स विलेज एंड सम ऑफ दोज आर द रिलेटेड टू अचीवमेंट्स ऑफ द किंग, जो राजा के प्राप्ति के लिए अचीवमेंट्स के लिए इन सभी चीज़ों का क्या था जो था। देवर इंगेज द रॉक्स, जो कह रहा है इनग्रेव्ड ऑन द रॉक, चट्टान जो होते थे, स्टोन्स, कॉपर प्लेट्स, टेम्पल वॉल्स, जो टेम्पल्स की जो दीवार जो बनते थे, इन सभी चीज़ों से उसे बनाया जाता था। द स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस और इन द कॉल्ड एपिग्राफी, इन सभी चीज़ों पे जो अध्ययन जो किया जाता था, ठीक है, साइंटिफिक जो प्रोसेस था उसी को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं, ठीक है। कह रहा है दीज इंस्क्रिप्शन की वास्ते इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो काफ़ी अच्छी जानकारियाँ वहाँ से मुझे प्राप्त होती थी अबाउट द सोशल पॉलिटिकल, सोशल के बारे में भी, पॉलिटिकल के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में भी, कंडीशन ऑफ द पीपल, लोगों की स्थिति व्यवस्था कैसी थी इन इंडिया द मिडिवल पीरियड, इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलता था। रोल ऑफ हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस हैव टू एनालिसिस ऑल द सोर्स वाइल राइटिंग ऑन द हिस्ट्री, कह रहा है हिस्टोरियन जो था एनालिसिस किया जाता था उस समय सोर्स ऑफ द वाइल राइटिंग द हिस्ट्री, कह रहा है इतिहास के द हिस्टोरियन चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एग्जामिन द इंटरप्रेट, ठीक है, कह रहा है इंटरप्रेट ऑल द सोर्स ऑफ राइट अनविस्ट एंड द सिस्टम हिस्ट्री अकाउंट हिस्ट्रिकल अकाउंट, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या मिलता था जानकारी और रोल जो था इसका भूमिका भी था। अब आइए ये कह रहा है ए पीरियड ऑफ वेरियड डेवलपमेंट्स, द पीरियड कह रहा है बिटवीन द 700 टू 1750 AD इज अ वेरी डायनेमिक पीरियड, ये जो पीरियड जो काल रहा काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक रहा, क्यों, क्योंकि इसलिए कि रिच वेरायटी ऑफ डेवलपमेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड, कई सारे जो है कह रहा है रिच वेरायटी उस समय क्या हुआ था, डेवलप किया था, ठीक है, विकास हुआ था, न्यू ग्रुप ऑफ द पीपल, कई सारे न्यू ग्रुप भी उसमें शामिल हुए थे, अपेन इंडिया जो आए थे ड्यूरिंग द पीरियड, इसी पीरियड में कह रहा है दिस इंक्लूड टू जैसे तुर्की, खिलजी, ठीक है, तुगलस, मुगल एंड द पर्सियन हु केम फ्रॉम द आउटसाइड द राजपूत, इन सभी जो है सदियों में आया हुआ था, कह रहा है मराठा, सिख, जाट्स एंड द एम्स वर इंडिजीनियस पीपल बिकेम पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट इन द पीरियड, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में क्या मिलता है, ये सब भी उस समय डेवलप किया था, जानकारी मिलती है। इन अदर एरिया ऑल्सो, कुछ अदर एरिया भी था, देयर वर न्यू डेवलपमेंट, जो नया एरिया डेवलप किया था उसमें न्यू फूड आइटम, जैसे क्या नए फूड आइटम में देखो ये लाइक पोटैटो, कॉर्न एंड द चीलर्स अराइव्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये सब चीज़ है जो है डेवलप किया था। सोसाइटी बिकेम मोर कम्प्लेक्स, समाज की जो स्थिति व्यवस्था थी काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स था, एज द फोर मेजर कास्ट, उस समय जो कास्ट व्यवस्था थी फोर था, कह रहा है जॉन्स गोट डिवाइडेड एंड द सब डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ द कैराजेट्स एंड द सब कास्ट, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड पावरफुल एम्पायर केम ऑफ द लाइक द खिलजी, तुगलक, मुगल एंड द चोलस, ठीक है। इम्पोर्टेंट चेंज टुक प्लेस इन द रिलीजन, देयर वर द इमरजेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट, ठीक है, विच बिलीव इन द गॉड, उस समय जो कह रहा है टुक प्लेस रिलीजन, धार्मिक जो होते थे देयर वर इमरजेंस, शामिल होते थे भक्ति मूवमेंट जो होता था उसमें लोग शामिल, विश्वास करते थे, इसलिए लोग इसमें शामिल थे। गॉड कैन, ठीक है, बी कह रहा है गॉड कैन बी रिच थ्रू द लव एंड डिवोशन, गॉड जो है कह रहा है वो लोग पहुँचते थे वहाँ पे रिच थ्रू द कह रहा है लव एंड डिवोशन, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को वो क्या प्यार करते थे, ठीक है। कह रहा है नो एक्सपेंसिस आवर कंप्लीमेंटेड रिटुअल्स, कह रहा है वर्ड नीडेड, कोई भी एक्सपेंसिस बिना कोई खर्च का, ठीक है। द कह रहा है द भक्ति मूवमेंट ऑल्सो रिजेक्टेड, कह रहे हैं कास्ट हियरार्की, उसमें जो कह रहा है भक्ति मूवमेंट ऑल्सो रिजेक्टेड, ठीक है, इसलिए कास्ट हियरार्की को काफ़ी ज़्यादा वो क्या रिजेक्टेड करता था। इन द पीरियड द न्यू रिलीजन इस्लाम अराइव्ड इंडिया, उस समय जो भारत में जो नया धर्म आया वो इस्लाम आया, 7th century में, इस्लाम कब आया 7th century में, दिस न्यू रिलीजन बेस्ड इटसेल्फ ऑन द वर्शिप ऑफ द वन गॉड, उसने एक ही गॉड को माना, वो क्या था अल्लाह, बिफोर होम वर द इक्वल, इसके पर सबके सब क्या है बराबर, रिस्पेक्टिव ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस, ठीक है। कह रहा है हिस्ट्री ऑफ द डायनेमिक एंड द इवर चेंजिंग पीरियड ऑफ द ऑफन डिस्क्राइब मिडाइवल, काफ़ी ज़्यादा कह रहा है डायनेमिक रहा, इवर चेंजिंग भी आया, पीरियड ऑफन डिस्क्राइब एट द मिडाइवल पीरियड बट दिस लॉन्ग स्क्रैच ऑफ ईयर 700 to 1750 कह रहा है टेमिडियस चेंज, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ था, चेंजिंग दियर वर मेनी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एंड वाट हैपेंड 16th to 17th century कह रहा है सेंचुरीज वर द वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ द 18th to 19th century, इन दोनों पीरियड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेज रहा, किसी में डेवलप, इसमें डेवलप ज़्यादा हुआ, इसमें कम हुआ। देयर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है, इज ऑल्सो आस्क्ड मेनी हिस्टोरियंस, काफ़ी सारे कह रहा है इसीलिए काफ़ी क्वेश्चन भी बनता है क्वेश्चन टूडे डैट वेदर जस्टिफाई द लेवल एंड एंटायर पीरियड ऑफ द मिडिवल पीरियड के लिए, ठीक है। अब आइए चैप्टर खत्म हो गया बाबू, ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो कॉमेंट में लिखना, ठीक है, बताना, फिर बताएंगे, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन आंसर पे हम लोग थोड़ा चले आते हैं, ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। आइए कह रहा है
ऐसे पकड़ते हैं मोबाइल को सीधा करते हैं तो पूरा आएगा। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, द मिडिवल पीरियड इन इंडिया कवर्स द पीरियड फ्रॉम, कह रहा है कि यू हैव फोर ऑप्शन, यू सेलेक्ट वन आंसर, ठीक है, आपको चार में से एक चूज करना है, ठीक है, कौन सा सही है। द मिडिवल पीरियड इन इंडिया कवर्स द पीरियड फ्रॉम, देखिए 700 AD टू 1750 AD रहेगा। कह रहा है बाय होम वर द दिल्ली सुल्तान ओवरथ्रोन द मुगल्स था। कह रहा है नेम द बुक विच गिव्स अस द डिटेल अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर द राष्ट्रांगनी, ठीक है। इंडिया इज ऑफन रिफर्ड एज अ भारत इन विच लिटरेचर द संस्कृत, अब कह रहा है देखिए यहाँ ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है विद द राइवल मुस्लिम रूलर्स, विद द राइवल मुस्लिम रूलर्स, ठीक है, न्यू लैंग्वेज, ठीक है, तो ये क्या था, कह रहा है मुस्लिम रूलर्स अरबिक एंड द पर्सियन था, एंड द पहला होगा लैंग्वेज अरबिक एंड द पर्सियन डेवलपमेंट इंडिया, ठीक है। द स्टडी ऑफ क्वाइंस इज कॉल्ड, ठीक है, स्टडी ऑफ पर जो हम लोग अध्ययन करते थे, क्वाइन पर जो अध्ययन करते थे हम लोग, उसको क्या कहा जाता था, उसको न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता था, ठीक है। द कह रहा है चंद बदाई वॉज दिस ऑथर ऑफ, चंद बदाई किस पर लिखा था, पृथ्वीराज रासो के बारे में उस पर उसके लिखा था, ऑथर ऑफ उसके लेखक थे। द मिडिवल उन्होंने ही लिखा था, मिडिवल एज ऑफ द यूरोप कह रहा है वॉज मार्क्ड इन द, ठीक है, कह रहा है क्या इफ्यूडलिज्म, ठीक है, ये था, ठीक है। आप 2-4 देख लो, द भक्ति मूवमेंट सपोर्टेड द कास्ट हिस्ट्री, नहीं, भक्ति मूवमेंट ने कभी अगेंस्ट ही किया था, सपोर्ट नहीं किया था। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 फेज, बिल्कुल सही है, ठीक है, उसको 3 भागों में बांटा गया था। इंडिया गॉट इट्स नेम हिंदुस्तान बिकॉज द पीपल लिविंग अराउंड द इंडस रिवर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आज इतना रहने दीजिए, अब ये क्वेश्चन बचा है थोड़ा, वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग, ये हम लोग बताएंगे, आप लोग ट्राई भी करिएगा, बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो बताइएगा। डैट्स ऑल, थैंक यू फॉर डे।